हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त जो हम हैं आपके सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका है उसके साइट पे हैं। और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो मैंने वीडियो डाला था सी टेट को लेके कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि सी टेट के लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या है, कौन कौन से लोग जो हैं इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए, आप इसकी साइट पे जाके खुद भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी की बात चल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द सी टेट के लिए। तो सबसे पहला देख लेते हैं, आपका है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बी कमिंग टीचर फॉर क्लास 1 से 5th प्राइमरी स्टेज, यानी प्राइमरी स्टेज के लिए देख लेते हैं, जो 1 से 5th क्लास को पढ़ाएंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सी टेट के लिए। तो देखिए, सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपका जो 12th है वो आपका 50% के साथ पास होना चाहिए। और या फिर यदि आप अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री, या 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री जो आपका होता है कोर्स टीचिंग का, ये होना चाहिए। या फिर आप फाइनल ईयर में अपेयरिंग यानी बैठ रहे हों, आपका फाइनल ईयर का हो, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अथवा दूसरा भी इसका है, देख लेते हैं, सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 45 मार्क्स, 45% होने चाहिए आपके 12th में। और या फिर आप बैठ रहे हो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में, जो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, या इसका और भी आपके यहाँ बहुत जगह BTC होता है, बहुत जगह DLED, अब BTC को ही कर दिया गया UP में, जैसे BTC था उसको DLED के नाम से जानने लगे हैं, तो वही है वाई वाट एवर नेम नो, और इन अकॉर्डिंग विथ द NCTE, ठीक है ना, NCET से जिन्होंने किया हो, ये इसमें रिकॉग्नाइज्ड भी बता दिया है कि जो आपका NCET कराता है उससे किया हुआ होना चाहिए डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जो कोर्स आपने कर रखा है। या फिर दूसरा भी ऑप्शन आपके पास है, देख लेते हैं, आपका जो 12th है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और इन फाइनल ईयर आप 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे BLED कहते हैं, 4 साल का जो होता है, या उसके आप फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप बहुत आराम से एग्ज़ाम से दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसी के लिए दूसरा भी बहुत सारे इसमें वो रखे गए हैं, जैसे सीनियर सेकेंडरी में आपका 50% मार्क होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जो चलता है, एक डिप्लोमा एजुकेशन जो होता है, स्पेशल एजुकेशन कोर्स चलता है 2 साल का, और ये खास तौर पे दिल्ली वगैरह की तरफ ज़्यादा इसका यूज होता है, चलाया जाता है, तो अगर ये है तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं सी टेट के लिए। अब इसमें एक और कंडीशन देख लेते हैं, ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जिसे हम लोग DLED कहते हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन करके रखा है और उसके बाद पास होने चाहिए इसमें, और देन उसके बाद आप डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जो कर रहे हैं या फिर उसके फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप जो है सी टेट का जो फॉर्म है उसे भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ये था प्राइमरी स्टेज के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए। चलिए आप एलिमेंट्री लेवल के लिए देख लेते हैं, यानी जो 6 से 8 क्लास को पढ़ाते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर द क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पे है, इसे एलिमेंट्री स्टेज के लिए। तो इसमें चलिए देख लेते हैं, देखिए, ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग, या तो आप पास कर चुके हो, सब में वही है, या तो आप यदि आपने कोई विशेष स्पेशल टीचिंग कोर्स किया है, या तो कर चुके हों, या फिर यदि कर रहे हैं तो फाइनल ईयर में होना ज़रूरी है, ये सभी के लिए कंडीशन है, ठीक है। तो इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद यदि आप डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स आपने किया है या फिर उसके फाइनल ईयर में हैं, तब आप भी फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ग्रेजुएशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स है, इसमें एक चीज़ और कंडीशन रख दी गई है कि जो ग्रेजुएशन है फिर कम से कम 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए और पास होना चाहिए। अपेयरिंग इन फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी जो BEd होता है, ठीक है ना, उसमें जो आपका है ये तो पास होना चाहिए, या तो आप इसके फाइनल ईयर में आप बैठ रहे हो BEd में, तो ये 1 साल का ही होता है, आप कर रहे हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं।
दूसरा देख लेते हैं, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ आप का जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन 45 मार्क्स होने चाहिए, और पास्ट आर अपेयरिंग इन वन ईयर बैचलर इन एजुकेशन, जो वन ईयर का बीएड होता है उसमें या तो आप उसको क्वालिफाई कर चुके हों, पास कर चुके हों, या फिर उसका एग्ज़ाम आप देने वाले हैं फाइनल जो ईयर हो, क्योंकि वन ईयर का है तो वही ईयर आपके यहाँ पर अप्लाई होगा। और अकॉर्डिनेंस विद द एनसीटीसी, जो एनसीटीसी होता है उसके माध्यम से, और रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन देयर रिगार्ड के लिए है, जो कि टाइम टू टाइम ये बदलता रहता है, कभी एनसीटी कभी कुछ और संस्थाएं कराती हैं। फिर दूसरा भी है सीनियर सेकेंडरी, ठीक है ना, 50% है, जो 12th होता है वो 50% के साथ होना चाहिए, या इक्विवेलेंट जो उसके समकक्ष माना जाता होगा सीनियर सेकेंडरी के लिए, या तो वो किया हुआ होना चाहिए, और पास्ड आर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप देखिए ये आपका प्राइमरी के लिए भी था और 4 ईयर का, अब इसमें आप यदि 6 से 8 क्लास को पढ़ाना चाहते हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, और 4 ईयर का जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड जो होता है वो या तो आप कर चुके हों या उसके फाइनल ईयर में आप चल रहे हों, एग्ज़ाम देने वाले हों, तो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं दूसरा, कि सीनियर सेकेंडरी आर इक्विवेलेंट इसके समकक्ष जो भी माना जाता है, और विथ एट लीस्ट 50% मार्क के साथ में सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, एंड देन पास्ड आर अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर, यदि आपने 4 ईयर बीए बीएससी और बीएड आर बीए बीएड बीएससी, यानी ये जो आपका कंबाइन कोर्स चलता है बीए के साथ में बीएड और बीएससी के साथ में जो बीएड चलता है, जो 4 साल का कोर्स होता है, यदि आपने इसे कर रखा है या फिर आप कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म आप भर सकते हैं। या फिर एक अदर कंडीशन भी है, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी 50% के साथ में आपका ग्रेजुएशन स्नातक होना चाहिए, या फिर 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन जो कोर्स होता है वो होना चाहिए, या आप कर रहे हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेन आपके सी टेट के लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की क्या क्या है योग्यताएं, कि किस क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए सी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।